दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि टीवी इंडस्ट्री की सभी खूबसूरत अभिनेत्रियों से लेकर बॉलीवुड की सभी खूबसूरत अभिनेत्रियों तक अभिनेता अजय देवगन के साथ अभिनेत्रियां काम करने के लिए पगला जाया करती थी और उनके साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए वो किसी भी हद से गुजर जाने के लिए तैयार हो जाती थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बॉलीवुड की कुछ अभिनेत्रियां ऐसी हैं जो अभिनेता अजय देवगन के साथ फिल्म में काम करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें पाने के लिए सारी हदें पार कर गई थी, जिसके लिए ये अभिनेत्रियां थोड़ी बहुत बदनाम भी हुई थी। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उन्हीं जानी मानी अभिनेत्रियों से रूबरू कराने वाले हैं जो अभिनेता अजय देवगन को पाने के लिए सारी हदें पार कर चुकी थी। तो आइए एक एक करके उन अभिनेत्रियों से रूबरू होते हैं। नंबर वन, श्रिया सरन। दृश्यम मूवी में अजय देवगन की धर्मपत्नी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री श्रिया सरन को अजय देवगन से काफी लगाव हो गया था, जहां अजय देवगन को पाने के लिए श्रिया सरन फिल्म के डायरेक्टर से भी लड़ गई थी। इनका लड़ना किसी काम का न आया क्योंकि अजय देवगन ने इन्हें ही गलत साबित कर दिया था। नंबर टू, मधु। शाम है धुआं धुआं गाने से मशहूर होने वाली अभिनेत्री मधु ने तो एक्टर अजय देवगन को हासिल करने के लिए अपना हाथ तक काट डाला था, जिसके चलते अजय देवगन ने इनसे अपनी दोस्ती भी तोड़ डाली थी। हालांकि अजय के प्यार को पाने के लिए इन्होंने कोशिश बहुत की, मगर कभी भी अजय इनके प्यार को समझ नहीं पाए थे। नंबर थ्री, रवीना टंडन। आज सारा बॉलीवुड जानता है कि मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन ने अभिनेता अजय देवगन के बेइंतहा मोहब्बत पाने के लिए सुसाइड जैसी हदें भी पार कर दी थी, मगर इन्होंने वक्त रहते अपने आप को संभाल लिया, जिसके चलते ये आज जिंदा भी हैं। मगर इन्होंने अजय देवगन के प्यार को पाने के लिए वो हद कभी इन्हें ऊपर भी पहुँचा सकती थी। नंबर फोर, नेहा धूपिया। जानी मानी पर्सनालिटी अंगद बेदी की धर्मपत्नी बन चुकी अभिनेत्री नेहा धूपिया का कभी क्रश थे अजय देवगन, जिनसे ये मन ही मन में प्यार करती थी। इन्होंने अजय के प्यार को पाने के लिए सिर्फ एक ही हद पार की थी, जिसमें ये अजय के पीछे पीछे उन पर नजर रखती थी कि वो किसी दूसरी अभिनेत्री से तो चक्कर नहीं लगा रहे हैं। जब एक दिन उन्हें पता चला कि अजय सिर्फ अपनी पत्नी काजोल से ही प्यार करते हैं, तो इनका दिल टूट गया और फिर इन्होंने दोबारा कभी अजय देवगन के प्यार को पाने के लिए कोई सरहद और हदें पार नहीं की। नंबर फाइव, नम्रता शिरोडकर। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, खूबसूरत अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर ने अभिनेता अजय देवगन के साथ फिल्म तेरा मेरा साथ रहे, एलओसी कारगिल और कच्चे धागे में साथ काम किया था और उनके साथ काम करके नम्रता ने एक बार अजय के प्यार को हासिल करने के लिए एक ऐसी हद पार कर दी जिसके बारे में किसी को भी खबर नहीं है। अगर हाँ, इस हद को पार करने के बाद अजय देवगन ने इनका चेहरा देखना कभी भी मुनासिब नहीं समझा, तभी तो इन फिल्मों में काम करने के बाद अजय कभी भी नम्रता शिरोडकर के साथ नहीं दिखे। नंबर सिक्स, ग्रेसी सिंह। जी हाँ, मुन्ना भाई एमबीबीएस की अभिनेत्री ग्रेसी सिंह ने भी अजय देवगन के प्यार को पाने के लिए एक बहुत बड़ी सरहद पार कर दी थी। जी हाँ, अजय देवगन को फिर गंगाजल में अपना पति देखकर इन्होंने अजय को अपना हमसफर बनाने की कोशिश की थी, जिसके लिए इन्होंने अजय को एक लंबा चौड़ा लव लेटर भी लिखा था, जिसमे इन्होंने ये लिखा कि अगर अजय इनसे शादी कर लेंगे तो ये जिंदगी भर उनकी सेवा करेंगी और अपनी एक्टिंग करियर को भी छोड़ देंगी। मगर अजय देवगन ने इनके इस लव लेटर को फाड़कर गंगा में बहा दिया था और ग्रेसी सिंह ने अपने हदों को पार करने वाले आइडिया के लिए अपने आप को बहुत कोसा भी था। नंबर सेवन, ऐश्वर्या राय। तो आपको क्या लगता है कि अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने भले ही फिल्म हम दिल दे चुके सनम में अजय देवगन को छोड़कर सलमान खान का पीछा किया था, मगर रियल लाइफ में एक समय ऐसा आया जब ऐश्वर्या अजय को बहुत ज्यादा चाहने लगी थी और उनकी चाहत में इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड सलमान खान को भी उल्टा सीधा बोलकर अजय देवगन को शादी के लिए प्रपोज किया था। लेकिन इनका बैड लक सिर्फ इतना ही रहा कि अजय देवगन ने ऐश्वर्या से शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। नंबर एट, काजोल। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री काजोल ने अभिनेता अजय देवगन के प्यार को पाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, बस एक फिल्म शूटिंग के दौरान इन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया था और तभी दोनों को ये महसूस हो गया कि काजोल और अजय एक दूसरे के हमसफर बनने के लिए बिल्कुल सही पर्सन है। और फिर क्या था, अजय देवगन ने अभिनेत्री काजोल को अपना हमसफर बना लिया और आज भी उनके साथ जमे हुए हैं।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन सभी अभिनेत्रियों ने अभिनेता अजय देवगन के लिए तो सारी हदें पार की, मगर अजय देवगन ने किसी को भी अपना हमसफर नहीं बनाया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसी और भी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।